दोस्तों, आज दिल थाम कर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग दिखाएंगे और उन बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी भी देंगे, जिसे देखने से आपको वैसे बिल्डिंग का ज्ञान तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी का एक ऐसे गजब का उदाहरण है, जो कि हर बिल्डिंग को देखकर कुछ कर दिखाने की भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप इन सारे बिल्डिंग्स को देखकर अचंभित जरूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इस बिल्डिंग की बनावट और खूबसूरती को देखकर आपके भी मन में ऐसी बिल्डिंग बनाने का ख्वाब चलने लगेगा। आप इन बिल्डिंगों के दीवाने हो जाएंगे। आपके भी मन में बहुत सारी भावनाएं चलने लगेगी कि आखिर ऐसी गजब की बिल्डिंग बनाई कैसे गई और इतने असंभव कार्य को कैसे संभव कर दिखाया। आखिर ऐसी गजब की बिल्डिंग बनाने वाले शख्स कौन है। और दोस्तों, पूरे वीडियो को देखने के बाद आप यही कहोगे, भाई लाल किला और ताजमहल जैसी इमारतें भी इन बिल्डिंगों के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इन बिल्डिंगों को देखने से ऐसा लगेगा, भाई ये तो कोई चमत्कार ही है। दोस्तों, आज के इस बिल्डिंग्स को जब आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा भी आपको कम लगेगा। वैसे दोस्तों, बुर्ज खलीफा इन बिल्डिंग्स में सबसे बड़ी जरूर होगी, पर खूबसूरती और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखने पर बुर्ज खलीफा भी आपको कम ही लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस वीडियो के लास्ट तक में ऐसी भी बिल्डिंग देखने को मिलेगी और उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी, जिसके सामने बुर्ज खलीफा भी कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। एक ऐसी बिल्डिंग तैयार हो रही है जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है जो हवाई जहाज भी इस बिल्डिंग से नीचे ही उड़ता है। यानी आप इस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी भाग पर यानी कि छत पर चढ़कर जब हवाई जहाज को देखोगे तो आपको अपने सिर को उठाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस बिल्डिंग पर होंगे, आपको जब हवाई जहाज देखनी होगी तो आपको अपनी नजरों को नीचे झुकाकर देखना होगा और फिर आपको हवाई जहाज के नीचे का भाग नहीं बल्कि हवाई जहाज के ऊपरी भाग आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो बनाता रहूं। और अगर वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेनुम्ब्रा। दोस्तों, फ्रांस के रहने वाले एक स्टूडेंट डायलोसोर्ट ने ये गजब का कारनामा कर दिखाया, जिससे कि सारे देश में इस स्टूडेंट का काफी सराहना होने लगा। उन्होंने एक ऐसा गजब का विंडो सीटिंग बनाया है, जो कि ये विंडो सूरज की रोशनी के अनुसार खुद को एडजस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे आपके कमरे के अंदर धूप आ रही है तो यह विंडो ऑटोमेटिक अपने रुख को मोड़कर धूप से आपको बचा लेगी। आपको धूप से बचने के लिए पर्दों को सरकाने या फिर हटाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सूर्य की रोशनी के अनुसार ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। यानी आपको धूप लग रही है तो यह विंडो धूप की तरफ दीवार की तरफ बनकर अंदर धूप को जाने से रोक लेती है। अगर आपके कमरे में ऊपर से धूप आ रही है तो यह विंडो ऊपर की ओर खुद को दीवार बनाकर धूप को अंदर आने से रोक लेती है। यानी धूप जिधर जाएगी यह खिड़की भी उधर ही घूम जाएगी। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो तब लगती है जब सूर्य की किरण पड़ने लगती है तो यह खिड़की भी खुलने लगती है, और जब सूरज ढल जाती है तो यह विंडो भी बंद हो जाती है। क्या है ना मजे की बात। चलिए दोस्तों, हम आपको दूसरे बिल्डिंग की ओर लेके चलते हैं, अगोरा टावर ताइवान। दोस्तों, यह बिल्डिंग ताइवान के सिनी शहर में स्थित है। इस बिल्डिंग को ताऊ जुई आंग के रूप में भी जाना जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि इस बिल्डिंग को एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी ख्याल से इस बिल्डिंग में नीचे से लेकर ऊपर तक हरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यह पेड़ पौधे भी इस बिल्डिंग के खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इस बिल्डिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी प्लांट लगाए गए हैं, जो लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग और जागरूक रहते हैं, यहाँ वो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं। इस बिल्डिंग को डीएनए आकार में बनाया गया है।
जिससे कि इस बिल्डिंग का डिजाइन औरों बिल्डिंग से काफी डिफरेंट होता है। इस 20 मंजिला इमारत में 40 लग्जरी स्विमिंग पूल, जिम और हर तरह के स्पोर्ट्स खेल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात तो इस बिल्डिंग में विद्युत एनर्जी के लिए बिल्डिंग के रूप में ही सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर इस बिल्डिंग को हमेशा चकाचौंध बनाए रखती है। कभी भी बिजली गुल हो जाने की कोई डर नहीं। इस बिल्डिंग में सारा काम लगभग बिजली उपकरण के सहारे ही पूरा कर बड़े ही आनंद का आप अनुभव करेंगे। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से लग्जरी बनाया गया है। इस बिल्डिंग का पूरा फर्नीचर और ग्लास, हर चीज काफी हाईटेक है, इसीलिए यह बिल्डिंग बाहर और अंदर से काफी खूबसूरत लगता है। बिल्डिंग को बनाने का काम सन 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था और सन 2017 ईस्वी में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। राफेल सिटी। दोस्तों, यह बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये चाइना के अंदर जोकिंग शहर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह 6 टावरों को 28-28 मंजिल बनाया गया है और हर टावर को ऊपर से गोल घुमावदार बनाया गया है और फिर 4 टावर के ऊपर घुमावदार स्काईबो भी बनाया गया है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही इस बिल्डिंग को अजूबा बनाती है। इस स्काईबो की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 300 मीटर है और इस गजब के स्काईबो के अंदर स्विमिंग पूल, रेटोरेट, जिम क्लब के साथ साथ गार्डन भी आपको देखने को मिलेंगे। यह स्काईबो देखने में काफी खूबसूरत और मनमोहक लगता है। चूंकि इस स्काईबो में लगभग 3000 ग्लास पैनल्स और 5000 एल्यूमिनियम पैनल भी लगाए हुए हैं, इस बिल्डिंग के टावर के अंदर एक से एक लग्जरी होटल, रेसिडेंशियल प्लेट्स और 20 शॉपिंग सेंटर के साथ साथ और भी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब बाकी बचे दो टावर हैं, उसके ऊपर हेलीपैड बनाया गया है, जो कि कोई भी वीआईपी व्यक्ति का आगमन होता है तो इसी हेलीपैड पर वो उतर सकता है। दोस्तों, यह जो टावर आप देख रहे हैं, यह सन 2020 ईस्वी के शुरू में ही बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, यह खूबसूरत बिल्डिंग दुबई के अंदर बनाई गई है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को इतनी खूबसूरती देने वाले इटालियन के रहने वाले आर्किटेक्चर डेविड फिशर ने 5 और 10 फ्लोर नहीं 80 फ्लोर का बिल्डिंग बना डाला है। इस बिल्डिंग की सबसे खास चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है, जिससे कि यह बिल्डिंग हमेशा घूमती रहती है। यह बिल्डिंग काफी बेमिसाल और अजीबोगरीब दिखती है। इस बिल्डिंग पर जिसकी पहली नजर पड़ती है वह काफी आश्चर्य से देखते ही रह जाते हैं और उसके मन में तुरंत प्रश्न आ जाता है कि आखिर इस बिल्डिंग में क्या है जो यह अपने जगह पर घूम रही है। यह बिल्डिंग रात में और भी सुंदर और मनमोहक लगने लगती है। इसका खास वजह यह है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कई तरह के रंग बिरंगे लाइट लगे होते हैं, इसी वजह से रात में यह बिल्डिंग घूमती है तो इसका नजारा काफी खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की खूबसूरती को कितना भी गिनाओ कम ही है। दोस्तों, आप अपने बिल्डिंग के फ्लोर को कहीं भी किधर भी साइड घुमा सकते हैं। आप एक जगह बैठकर या खड़े होकर दुबई के रेगिस्तान को देख सकते हैं, दुबई के पूरे शहर का नजारा भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पानी के खूबसूरती का नजारा का भी आप आनंद ले सकते हो। अपने घर को अपनी इच्छा के अनुसार जिधर मन करे उधर घुमा सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने का काम सन 2008 ईस्वी में शुरू हुई थी और इस बिल्डिंग को पूरी तरह बनाने में पूरे 12 साल का वक्त लगा। सोंगजांग होटल। दोस्तों, इस बिल्डिंग को चाइना के अंदर संघाई शहर में बनाया गया है। दोस्तों, यह बिल्डिंग भी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही जबरदस्त दृश्य है। इस बिल्डिंग को दो चट्टानों के बीच बड़े ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर अंडर वाटर होटल बनाए गए हैं और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप लंच और डिनर के लिए अंडर वाटर होटल जरूर पहुंचें और लंच करते समय आप एक से एक समुद्री जीव के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि काफी आनंददायक और मजेदार दृश्य होता है। इस बिल्डिंग में अंडर वाटर रूम्स भी बनाए गए हैं, जिसके वजह से आप ज्यादा से ज्यादा समय को वहां गुजार कर समुद्र के एक से एक जीव को देखकर और उसे जान भी सकते हैं। सेंस स्काई पार्क बिल्डिंग।
दोस्तों यह बिल्डिंग सिंगापुर में बनाई गई है। दोस्तों इस बिल्डिंग में 3 टावर पर 52 मंजिला इमारत बनाया गया है और इस टावर के ऊपर एक स्काईबो भी बनाया गया है। दोस्तों इस बिल्डिंग के ऊपर स्काईबो में एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जहां आप इस स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाते हुए पूरे सिंगापुर के नज़ारे को देख सकते हैं। ये स्विमिंग पूल दुनिया के सबसे सुंदर स्विमिंग पूल की लिस्ट में रखा गया है। इस स्काईबोक में आपको बहुत ही सुंदर पार्क, स्पोर्ट्स खेल, जिम और क्लब भी है, यानी पूरी तरह से स्काईबोक बेस्ट है। दोस्तों इस बिल्डिंग के टावर में आपको सुविधा के अनुसार हर चीज उपलब्ध है, होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी, यानी आपको जिस चीज की जरूरत हो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इस बिल्डिंग की बनावट इतनी शानदार और हाईटेक है जो इसे दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग के रूप में शामिल किया गया है। चूंकि इस बिल्डिंग की बनावट काफी शानदार और बहुत ही हाईटेक है, एक्स स्पीड बिल्डिंग। दोस्तों अभी तक आपने हाईटेक टेक्नोलॉजी सिस्टम से बनी हुई बिल्डिंग को देखा, अब मैं आपको ले चलता हूं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की ओर। दोस्तों जापान ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के रूप में अपना पहचान बना लिया। दोस्तों यह बिल्डिंग इतनी ऊंची बनी है जो एरोप्लेन भी इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके बहुत नीचे से होकर गुजरती है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देखा जाए तो लगभग 4000 मीटर तक होगी। दोस्तों इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैप तैयार हो चुका है। अगर इस बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा से तुलना किया जाए तो बुर्ज खलीफा भी एक साधारण इमारत सी दिखाई देने लगेगी। इस बिल्डिंग की चौड़ाई लगभग 6 किलोमीटर तक होगी। इस बिल्डिंग में एक साथ 10 लाख लोग से भी ज्यादा रह सकते हैं। और आपको बता दूं कि 4000 मीटर का सीधा मतलब है स्पेस में, वहां तो लोगों को मौसम परिवर्तन का भी पता नहीं चलेगा। ऐसा दिखेगा जैसे मानो बिल्डिंग के नीचे बारिश हो रही हो, बूंदे बरस रही है और ऊपर के हिस्से में धूप हो, क्या गजब का नजारा होगा। यह बिल्डिंग लगभग 2025 ईस्वी तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपको सबसे अच्छी बिल्डिंग कौन सी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।